आज मैं कोहरे की सब्जी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं थोड़े से कोहरे को काट के रखा है, ये थोड़ी सी अदरक है, थोड़ी सी 7-8 कलियाँ लहसुन की है, 2 प्याज है, 1 टमाटर है, थोड़ा सा मैंने इसमें पोई साग डाला है, डालूंगी मैं। ये मेरा फ्रेश पोई साग है, मैं अपने घर से इसे तोड़ी हूँ। इसे मालाबार स्पिनच भी कहा जाता है। अब इसे बनाने की तैयारी हम करते हैं। मैंने थोड़े से कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और अब 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कलौंजी और प्याज, जब तक थोड़ा सैटिस्फाई होता है मैं अदरक और लहसुन को थोड़ा कूट लेती हूँ। इसमें डाल दिया, ये थोड़ा फ्राई हो चुका है लाल हल्का। अब इसे हम टमाटर ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच हल्दी। मिर्च हम कम खाते हैं इसलिए हम थोड़ी कम डालते हैं, आपको अपने अनुसार आप डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून नमक, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, इसे थोड़ी देर गलने पर टमाटर को। अब टमाटर थोड़ा हमारा गल चुका है, अब इसमें हम ये कुमड़े को ऐड करेंगे। कोहड़ा, कोई कोहड़ा बोलता है, कोई कुमड़ा बोलता है, कोई कद्दू बोलता है। थोड़ी देर से भून देंगे, उसके बाद फिर हम ये कोई साग को डालेंगे। थोड़ी देर इसको ढककर भून लेंगे। देखिए थोड़ा भून चुका है ये, और इसे पोई साग थोड़ा सा डाल देंगे। और इसे फिर गलने पर, इसे ढक कर गलने पर पकाएंगे। अब हम इसे भर देंगे ढकने के बाद, थोड़ी देर के बाद खोलकर देखेंगे ये गला है कि नहीं। दस 15 मिनट हो गए हैं और ये तैयार हो चुका है, गल गई है ये सब्जी। देखिए इस तरह आप चेक कर लीजिएगा, सब्जी गल जाएगी तब आप इसे उतार लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी के साथ। हम कटोरी में सर्व कर लेते हैं और देखिए क्या टेस्टी लग रहा है, स्मेल भी इसकी कितनी अच्छी आ रही है।